हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। निफ्टी लगभग 10,000 के आसपास है, आज कुछ करेक्शन रहा बैंक निफ्टी में, बट ये है कि कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ शेयरों के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। जिस तरह से आपने देखा कि टेलीकॉम सेक्टर में बड़ी हलचल मची हुई है, उसमें से जो ताज़ा खबर है भारतीय एयरटेल के लिए है, और भारतीय एयरटेल का स्टॉक लगभग 570-580 के आसपास है, जैसे कि इसको बहुत सारे इन्वेस्टर्स लेना भी चाहते हैं, क्योंकि और ये एक तरह से पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, और जब भी इसमें आप मान के चलिए गिरावट हो तो इसको लेने की कोशिश करना चाहिए। और आप लोगों को खबर बताने की कोशिश करते हैं इस समय, और कुछ स्टॉक्स भी बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रिलायंस में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आया है, फेसबुक की जो डील हुई है, तो अब अमेजोन की डील भारती के साथ हो सकती है। लगभग 5% हिस्सेदारी खरीद सकता है अमेजोन भारती में, और ये ऑफिशियली कोई न्यूज़ नहीं है, बट ये कि मीडिया में आ गई है, तो आने वाले दिनों में आप देखेगा कि ये डील हो सकती है। और दूसरी खबर ये कि इंडस टावर के लिए ये मीटिंग करने वाले 11 जून को वोडाफोन आइडिया जो काफ़ी समय से इंडस टावर का डील करना चाह रहे हैं, तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया में काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ स्टॉक जा रहा है, और लमसम मान के चलिए ये 6 महीने पहले 8.90 रुपये या 8.80 रुपये के आसपास तक गया था वोडाफोन आइडिया, तो वहाँ तक चला गया है। अब थोड़ा सा कॉशस रहने की कोशिश करिएगा वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि अब हो सकता है कि जो इसका हाई है एक तरह से वहाँ तक चला गया है, और ये पिछले वीडियो में भी बताने की कोशिश थी कि वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। और काफ़ी अच्छा देखिए 1-1.5 महीने में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिला है, और आने वाले से लंबे समय के लिए वोडाफोन आइडिया एक डार्क हॉर्स हो सकता है। जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगे आने वाले दिनों में, और जो कुछ न्यूज़ आ रही हैं जैसे गूगल भी स्टेक खरीद सकते हैं, तो एक बार कोई कंपनी अगर स्टेक खरीद लेंगे तो हो सकता है फिर आपको वोडाफोन आइडिया तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। और बिरला ग्रुप की कंपनी है, 72% हिस्सेदारी भी है, और उसी तरह से भारतीय एयरटेल एक तरह से काफ़ी अच्छा स्टॉक रहा है। जब भी कोई न्यूज़ आती है या गिरावट होती है इसमें, अभी कुछ व्यूअर भी पूछने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय एयरटेल को क्या खरीद लें, तो इसको कोशिश ये करिए कुछ करेक्शन में खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट अभी 10,000 के आसपास, कोई भी अगर करेक्शन आता आने वाले दिनों में तो आपको स्टॉक्स में करेक्शन रहेगा, और भारतीय एयरटेल में ज़्यादा करेक्शन नहीं होता, बट ये कि पिछली बार भी लमसम मान के चले ड्रॉप करके नीचे की तरफ आया था, तो उसी तरह से अगर कोई करेक्शन होता है भारतीय एयरटेल में तो आप इसको लेने की कोशिश करें। जैसे कोई AGR की न्यूज़ आ गई, या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेनल्टी आ गई, कोई भी न्यूज़ XYZ आती है, तो आप मान के चलिए स्टॉक में गिरावट होती है तो उस वक्त लेने की कोशिश करनी चाहिए। ये आने वाले सालों के लिए टेलीकॉम सेक्टर के जो शेयर्स हैं, रिलायंस तो है ही है, और उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो पेट्रोकेमिकल का है, तो उसके वजह से थोड़ा सा उसमें वोलेटाइल रहता है। आप देखते हैं कि अगर गिरता भी बहुत तेज़ी से, बट भारतीय एयरटेल में आप नहीं देखेंगे कि नहीं होगी, मार्च में गिरावट थी उसमें, बट तेज़ी से ऊपर की तरफ भी गया। अभी आपने देखा रिजल्ट में भी कमी पैसी थी, भारतीय एयरटेल इतना नीचे नहीं आया, और काफ़ी रिकमेंडेशन आ रहा था कि भारतीय एयरटेल नीचे की तरफ आएगा, तो उसमें आने वाले दिनों में अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो सभी शेयर नीचे की तरफ आते हैं, तो भारतीय एयरटेल को जो लेना चाहते हैं पोर्टफोलियो में उनको लेने की कोशिश करना चाहिए, और आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे सकता है भारतीय एयरटेल। और वोडाफोन तो है ही है, लोगों को काफ़ी अच्छा ट्रेड भी कराता है ये, और आने वाले दिनों में अच्छा खासा डार्क हॉर्स भी बन सकता है। तो ये टेलीकॉम सेक्टर के जो न्यूज़ थी, ताज़ा खबरें थी, टॉप न्यूज़ थी। लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश कर। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया डीलर्स देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।